भोपाल के दी वेंट्री होटल में एक ग्वालियर के युवक अंकित सिंह के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात अंकित सिंह होटल में चेक इन करने पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने शराब के नशे में उससे चाकू की नोक पर मारपीट की और सोने की चेन लूट ली। भोपाल में ग्वालियर के अंकित सिंह नामक युवक से एक होटल में मारपीट के साथ लूटपाट करने की घटना सामने आई है। पीड़ित अंकित सिंह ने बताया कि भोपाल के एमपी नगर स्थित होटल दी वेंट्री में वह चेक इन करने गया था, तभी वहां मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू की नोक पर उसकी करीब 1.5 लाख की चेन लूट ली। अंकित ने बताया कि वो युवक शराब के नशे में थे और यह सब घटना होटल के प्रमाइसिस में हुई। घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन होटल और मारपीट करने वाले युवकों के बीच सांठगांठ के चलते होटल ने सीसीटीवी कैमरे को खराब होना बताया और जब उन्होंने इसकी शिकायत एमपी नगर थाने में की तो पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि शराब माफिया, प्रॉपर्टी डीलर और दिग्गजों का नाम आने के बाद पुलिस ने धाराएं कम लगाई हैं, जिससे पीड़ित अंकित सिंह को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम रात में 1 बजे एमपी नगर में द वेंट्री होटल पहुंचे, तो वहां मैंने रूम बुक किया अपना, तो होटल वाले से बार्गेनिंग चल रही थी हमारी, तो उतने में एक काउंटर के बगल से बंदा ड्रिंक कर रहा था, तो वो फालतू की बातें बोलने लगा, तो उसको बोला भाई तू अपना काम कर, तो वो आगे लिपाटा झपटी करने लगा, तो उसने होटल वाले लोग भी आ गए, अलग कर दिया उसको, तो उसने फ़ोन लगा के बगल से 10-15 लड़के बुलवाए जो कि चाकू लेकर आए सीधे, उन्होंने मारा पीटी शुरू कर दी हम दोनों की, मेरी और विकास शर्मा की। सुबह में जैसे थाने पहुंचा एफआईआर करने के लिए, तो थाने वालों ने मामूली धाराओं में एफआईआर कर दी, ना ही सीसीटीवी जब्त किया उसका, जबकि सीसीटीवी में सारी घटनाएं हैं, मेरी चैन लूट ली उन लोगों ने, मेरे चाकू मारा ये, मतलब कोई पुलिस ने सीसीटीवी बोल दिया पुलिस ने खराब है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।